नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें एवं वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल जिले के सभी कॉलेज अब जुड़ेंगे बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी से सारे कॉलेजेस की संबद्धता होगी समाप्त। बैतूल जिले के सभी छात्रों की मांग कल उस समय पूरी हो गई जब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जिले के समस्त कॉलेजेस को छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी से हटाकर पहले की तरह बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में जोड़े जाने का कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर दिया। आपको बता दें कि बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से जोड़े जाने के संबंध में छात्र छात्राओं के द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी। बैतूल अंबेडकर चौक पर सार्वजनिक शौचालय में अज्ञात लोगों ने की तोड़फोड़, चुराए एलईडी बल्ब। बैतूल के अंबेडकर चौक पर संचालित सार्वजनिक सुलभ शौचालय में मंगलवार की देर रात कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। शौचालय के केयरटेकर ने बताया कि रात करीब 9 बजे वह शौचालय बंद करके चला गया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने दीवार में लगे नल तोड़ दिए और एलईडी के बल्ब भी चुरा लिए। बैतूल कॉलेज चौक पर यातायात पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, 6 से ज्यादा वाहनों का काटा चालान। बैतूल जिला मुख्यालय के कॉलेज चौक पर यातायात पुलिस के द्वारा चालानी कार्रवाई करते हुए उन वाहन चालकों से कल चालानी शुल्क वसूल किया गया जिनके पास वाहन के दस्तावेज नहीं थे और जो यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन नहीं चला रहे थे। ऐसे सभी वाहनों की चेकिंग की गई। आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। बैतूल दो आदिवासी महिलाओं ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, रुपयों से भरा बैग लौटाया। बैतूल में कल मंगलवार को दो आदिवासी महिलाओं ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए रुपयों से भरा बैग लौटा दिया। प्राप्त खबरों के अनुसार बैतूल के साप्ताहिक बाजार में खरीदारी करते हुए एक महिला अपने रुपयों से भरा बैग कपड़े की दुकान में भूलवश छोड़कर चली गई थी, जिसे दोनों आदिवासी महिलाओं ने बैतूल बाजार थाने में लौटा दिया। बैतूल बालाजी कॉलोनी के लोगों ने लगाई गुहार, कहा ना बिजली है ना सड़क। बैतूल जिले में कॉलोनाइजर्स से ठगे गए रहवासियों के मामले में आए दिन रोजाना कई मामले सामने आ रहे हैं। मंगलवार को ऐसा ही एक मामला घाड़ाघाट इलाके में बनी बालाजी विहार कॉलोनी का आया है। रहवासियों ने यहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न कराने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। आपको बता दें कि इस कॉलोनी को नगर पालिका के द्वारा अपने प्रबंधन में लिया गया था, जिसके बाद बिना विकास कार्य कराए कॉलोनाइजर को नो ड्यूज दे दिया गया। कागजों पर ही बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था कर दी गई, जबकि मौके पर कुछ भी नहीं है। मुल्ताई पारसडो गांव में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए बैतूल विधायक एवं मुल्ताई विधायक। मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रभातपट्टन के ग्राम पारसडो में संत स्वर्गीय भिखारी दास महाराज एवं मां ताप्ती मूर्ति स्थापना के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कल क्षेत्रीय विधायक श्री सुखदेव पांसे एवं बैतूल विधायक श्री निलय डागा शामिल हुए। इस दौरान दोनों के द्वारा पूजा अर्चना की गई। मुल्ताई भाजपा एवं शिवसेना के नेताओं ने लगाया आरोप, कहा नगर पालिका पिला रही हरदोली डैम का गंदा पानी। मुल्ताई में हरदोली जल आवर्धन योजना से लगभग 22 साल के बाद मुल्ताई नगर में पानी की सप्लाई हुई है, लेकिन इस पानी की सप्लाई को लेकर अब भाजपा और शिवसेना के नेता सवाल उठाने लगे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि नगर पालिका के द्वारा आनन फानन में इस पानी को मुल्ताई लाकर सप्लाई करने का काम किया जा रहा है, जबकि यह पानी फिल्टर युक्त नहीं है। इस गंदे पानी को पीने से लोगों में विभिन्न बीमारियाँ फैलेगी। मुल्ताई आरटीआई कार्यकर्ता ने सीईओ से की जांच की मांग, यूज पैड नष्ट करने वाली 10,000 की मशीन 55,000 रुपयों में खरीदी। जिले में 80 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई 142 मशीनें। यूज पैड को नष्ट करने के लिए उपयोग में आने वाली इंसिनेटर मशीन खरीदी में पूरे जिले में भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मुल्ताई के आरटीआई कार्यकर्ता प्रभु सोनारे ने
इस मामले में सूचना के अधिकार के अंतर्गत आवेदन लगाकर जानकारी प्राप्त की है। इससे प्रथम दृष्टया इसमें भारी भ्रष्टाचार होना प्रतीत हो रहा है। इस मामले को लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बैतूल को एक शिकायत भी की गई है। मुलताई नरवाई की आग से शासन का हजारों रुपए का डीजल और पानी हो रहा है बर्बाद। कल चार जगहों पर लगी आग, किसानों को नहीं हुआ नुकसान। मुलताई क्षेत्र में मंगलवार दिन भर नरवाई जलाने से लगभग 25 एकड़ खेतों में आग लग गई। इससे किसानों का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, परंतु शासन का हजारों रुपए का डीजल और पानी बर्बाद हो गया। आग लगने की सूचना मिलने पर मुलताई से दमकल वाहन गांव तक दौड़ा दौड़ा फिरता हुआ आग बुझाने का काम करता रहा। आपको बता दें कि सबसे पहली आग कल सोनोली में कुंजीलाल हुरमाड़े के खेत में लगी। उसके बाद दूसरी आग करीब 12 बजे सांडिया में विशाल खंडारे के खेत में लगी। तीसरी आग 12:30 बजे के आसपास लगी। यह भी नरवाई के द्वारा लगी गई आग थी। मंगलवार की दोपहर करीब 3:30 बजे एनएस ग्राम में दिनेश सिरसाम के खेत में आग लगी, जो कि करीब 5 एकड़ में फैली थी। आमला बाजार से घर लौट रही 8 वर्षीय बच्ची को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, आई गंभीर चोटें। आमला में चुटकी जोड़ के पास कल मंगलवार को बाजार से घर लौट रही 8 वर्षीय आरती उई के नामक बच्ची को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद उसके सिर और चेहरे पर गंभीर रूप से चोटें लगी है। आरती के परिजनों की शिकायत पर कल आमला पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जाँच प्रारंभ कर दी है। घोड़ा डोंगरी कल मंगलवार को डीजल के दाम 100 रुपए के हुए पार। व्यापारियों ने कहा और बढ़ेगी महंगाई। घोड़ा डोंगरी ब्लॉक क्षेत्र में कल डीजल के दाम 100 रुपए के पार हो गए। आपको बता दें कि कल 82 पैसों के उछाल के साथ डीजल के दाम 100 रुपए 60 पैसे हो गए, जहां जितेंद्र मालवी सहित अन्य व्यापारियों ने इस पर गहरी चिंता जताते हुए महंगाई के और भी अधिक बढ़ने की आशंका व्यक्त की है। घोड़ा डोंगरी गेहूं उपार्जन केंद्र पर कल मंगलवार दूसरे दिन भी नहीं पहुंचे किसान। घोड़ा डोंगरी के गेहूं उपार्जन केंद्र पर कल मंगलवार दूसरे दिन भी खरीदी नहीं हो सकी। मंगलवार को केंद्र पर सिर्फ एक किसान सैंपल लेकर के पहुंचा। भैंसदेही वार्ड क्रमांक 11 में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने केबल सुधारने का किया कार्य, कई घंटे तक बाधित रही बिजली सप्लाई। भैंसदेही नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 11 में आए दिन बिजली का केबल जल जाता है, जिसकी वजह से वार्ड वासियों को रोजाना काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कल सुबह 7 बजे के लगभग बिजली का केबल जल गया, जिसके बाद बिजली की सप्लाई बंद हो गई, जिसके बाद विद्युत विभाग को वार्ड वासियों ने इसकी सूचना दी, जहां विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे एवं बिजली के केबल को सुधारने का कार्य किया। भैंसदेही शहर में रामनवमी महोत्सव के मद्देनजर घर घर जा रहे हैं नगर के युवा। रामनवमी उत्सव को लेकर जनता को किया जा रहा है आमंत्रित। भैंसदेही शहर में रामनवमी महोत्सव को लेकर नगर के युवाओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है, जहां नगर के युवाओं के द्वारा घर घर जाकर लोगों को उत्सव मनाने को लेकर आमंत्रित किया जा रहा है। चिचोली फोटो युक्त मतदाता सूची पुनः निरीक्षण के कार्य को लेकर नगर परिषद ने 15 वार्डों में कराई मुनादी। चिचोली नगरी क्षेत्र में फोटो युक्त मतदाता सूची के पुनः निरीक्षण 2022 के अंतर्गत कार्य जारी है, जो कि 11 अप्रैल 2022 तक चलेगा, जिसमें नाम जोड़ने, नाम काटने एवं नाम सुधारने का कार्य किया जाएगा। इसी के अंतर्गत कल नगर परिषद चिचोली के सूचना वाहन के माध्यम से 15 वार्डों में मुनादी करवाकर नागरिकों को इस संबंध में सूचित किया गया। आठनेर मरी माता मंदिर में कलश स्थापना, नगरवासी विशाल भंडारे का करेंगे आयोजन। 7 अप्रैल को सुबह 8 बजे से कलश स्थापना के बाद होगा हवन पूजन। आठनेर के प्रसिद्ध प्राचीन मरी माता मंदिर का जीर्णोद्धार नगरवासियों ने अमित जीतपुरे के विशेष सहयोग से किया है। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिर में कलश स्थापना की जा रही है। 6 अप्रैल बुधवार की सुबह 4 बजे से कलश नगर भ्रमण किया जाएगा।
7 अप्रैल गुरुवार को सुबह 8 बजे से कलश स्थापना और हवन पूजन किया जाएगा। मंदिर समिति ने कार्यक्रम की जोरदार तैयारियां की है। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। अपने आसपास की घटनाओं, खबरों एवं परेशानियों को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।